शुरुआत करते हैं न्यूज 50 की। शहीद परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर पंजाब के तरन तारण पहुंचा, श्रद्धांजलि देने लोगों की भीड़। शोक में शहीद परमजीत का परिवार, बेटी और बेटी ने कहा पिता पर गर्व है। शहीद प्रेम सागर और परमजीत सिंह को पुंछ में श्रद्धांजलि दी गई, भारत माता की जय के नारों से गूंजा पूरा इलाका। दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेगा शहीद प्रेम सागर का पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि देंगे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। यूपी के देवरिया में शहीद प्रेम सागर के घर मातम, परिवार की सरकार से अपील, शहीदों के बारे में गंभीरता से सोचें। शहीद प्रेम सागर की बेटी की मांग, पिता की शहादत के बदले चाहिए दुश्मन के 50 सिर। एलओसी के हालात और जवानों के साथ बर्बरता पर पीएम मोदी को जानकारी देंगे अरुण जेटली, अब से कुछ देर बात कर सकते हैं मुलाकात। भारतीय जवानों के साथ बर्बरता के सवाल पर पाक उच्चायुक्त की चुप्पी, अब्दुल बासित ने पत्रकारों के सवालों को नजरअंदाज किया। दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोरा, 40 मिनट मुलाकात चली, घाटी के ताजा हालात पर जानकारी दी। सेना पर हमले की गुलाम अली आजाद ने निंदा की, कहा जब तक बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार रहेगी हालात सुधरेंगे नहीं। शहीदों के साथ बर्बरता पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार कब कोई ठोस कदम उठाएगी। पाकिस्तान की बर्बरता पर बलूच नेता मेहरान मारी का बयान, कहा पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर खुद को बर्बर सेना साबित किया। पुंछ में 2 जवानों के शवों के साथ कल हुई थी बर्बरता, पाक सेना ने शवों को क्षतविक्षत किया था। जवानों पर पाक सैनिकों ने घात लगाकर किया था हमला, बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर और सेना के जेसीओ परमजीत सिंह शहीद। पाकिस्तान का भारतीय सैनिकों के शव से बर्बरता से इनकार, सीज फायर उल्लंघन के आरोपों को नकारा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की कृपान और पिंगल समेत 3 पोस्ट तबाह। हालात का जायजा लेने के लिए कश्मीर घाटी पहुंचे सेना प्रमुख बिपिन रावत, सेना ने कहा पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बैंक की कैश वैन पर आतंकी हमला, 5 पुलिसकर्मी शहीद, बैंक के 2 गार्ड्स की भी मौत। हमले के बाद पुलिस वालों के हथियार लेकर फरार हुए आतंकी, हिजबुल मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में होने वाला लोकसभा उपचुनाव रद्द, चुनाव आयोग ने कहा फिलहाल हालात ठीक नहीं। दिल्ली में नेवी कमांडर्स की सालाना मीटिंग, मीटिंग में शामिल हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी कुलदीप सिंह रायपुर पहुंचे, नक्सलियों के खिलाफ बैठक में हिस्सा लेंगे। अमित शाह ने कहा एमसीडी चुनाव में जीत सिर्फ दिल्ली की नहीं देश की भी है। विजय पर्व के मौके पर अमित शाह ने कहा एमसीडी में जीत दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने की नींव है। अमित शाह ने पार्षदों से कहा जरूरत है कि जीत के बाद हम और विनम्र और जवाबदेह बने। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी चलते या दौड़ते नहीं बल्कि छलांग लगाकर परिवर्तन करते हैं। लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म, सभी विभागों में ई टेंडरिंग को 3 महीनों में लागू करने का फैसला हुआ। योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, जीएसटी लागू करने के मसौदे को मंजूरी। यूपी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नियमों को मंजूरी। योगी सरकार 24 जनवरी को मनाएगी उत्तर प्रदेश दिवस, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जानकारी दी। लखनऊ में चल रही यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे अमित शाह, 2019 की रणनीति पर चर्चा। यूपी में पेट्रोल पंप पर एसटीएफ की कार्रवाई का विरोध, लखनऊ के सभी पेट्रोल पंप मालिक हड़ताल पर। पेट्रोल पंप की हड़ताल पर सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, कहा दबाव में नहीं आएगी सरकार, परेशानी का हल निकालेंगे। केंद्र सरकार आज बना रही है गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस, योगी आदित्यनाथ गंगा किनारे बसे शहरों और गांव के लोगों को दिलाएंगे गंगा को स्वच्छ बनाने की शपथ। एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में कलह और बढ़ी, पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान ने आपकी संसदीय कार्य समिति से इस्तीफा दिया। पीएसी की बैठक में नहीं पहुंचे कुमार विश्वास, कई विधायकों ने अमानतुल्ला को पार्टी से निकालने के लिए केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। मुंबई में चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर कांस्टेबल को घसीटा, सीसीटीवी के जरिए खुलासा। एमपी में 108 एम्बुलेंस की हड़ताल का 7वां दिन, प्रशासन और एम्बुलेंस कर्मचारियों की बैठक बेनतीजा।
एमपी के ग्वालियर में बीजेपी नेता रुद्र आर्यन की गोली मारकर हत्या, जमीनी रंजिश को लेकर तीन लोगों ने किया हमला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में बेकाबू बस ने बच्ची को रौंदा, बस ड्राइवर फरार, गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। गाजियाबाद के कविनगर में तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में एक की मौत, 6 घायल। यूपी के फतेहपुर में नर्स का अस्पताल संचालन पर छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। आजमगढ़ में दलित महिला टीचर से मारपीट का मामला, एनपीआरसी प्रभारी पर जूते से मारने का आरोप। यूपी में इटावा में सरकारी अस्पताल की संवेदनहीनता, बेटे के शव के लिए पिता को नहीं मिली एम्बुलेंस, कंधे पर ले जाना पड़ा पार्थिव शरीर। एमपी के रतलाम में दो बहनों की शादी बनी मिसाल, दूल्हों का दहेज से इनकार, संकल्प के तौर पर 8वां फेरा लिया। यूपी के बागपत में किसान परिवार ने मांगी इच्छा मृत्यु, अपनी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे से परेशान है। आईपीएल में आज दिल्ली और हैदराबाद के बीच मैच, दिल्ली पर प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा। आईपीएल में पुणे ने गुजरात को 5 विकेट से हराया, बेन स्टॉक्स ने शतक बनाया। कनाडा के टोरंटो में धमाका, अंडरग्राउंड बिजली ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ। अमेरिका के मिसौरी में बाढ़ से हालात बेहद खराब, अब तक 2 की मौत, 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया।